आपकी गिरफ्तारी पे क्या है जो आप मेरा मुद्दे इमरान खान सीधा सीधा सर क्या कहेंगे ख्वाजा आसिफ की गिरफ्तारी पर? हमें पता था, हमें ख्वाजा आसिफ साहब को वार्निंग मिल चुकी थी, जमात छोड़ दें, जो ख्वाजा आसिफ साहब ने नहीं किया था, और ये कोई महीना पहले की बात है, और वो उन्होंने बताया भी था, लीडरशिप को भी बताया था, इत्तेफाक से मुझे भी पता चला था कि उनको कहा गया कि जमात छोड़ दें। सर किसने कहा था? ये तो वक्त आएगा, ख्वाजा साहब खुद ही बताएंगे आपको। और तो ख्वाजा साहब ने कहा था कि सारी ज़िंदगी गुजार दी है, 3 दहाइयाँ गुजार दी हैं, बाल मेरे सफ़ेद हो गए, तो ये मैं कभी नहीं करूँगा। अच्छा सर, तो आप लोग सीरियसली लेते हैं? खुदा का वास्ता है यार। जिसने बनाया उसकी अकल को भी सलाम। आपको या किसी और रहनुमा को तो नहीं कहा कि पार्टी छोड़ दें, जैसे कहा हुआ शोरों को भी? कितने लोग हैं और? मतलब वो फॉरवर्ड ब्लॉक नहीं बन सका ना, कोई आदमी फॉरवर्ड ब्लॉक का हिस्सा बनने को या लीड करने को नहीं तैयार, तो शायद ये वजह हो सकती है। कितने लोग हैं? कोई भी नहीं है। नहीं, आप कह रहे हैं कितने लोग, मैंने पूछा कितने लोगों को कहा गया है कि आप छोड़ दें जमात? मुझे ख्वाजा साहब के अलावा एक और का पता है, बाकियों का मुझे नहीं पता। वो भी पकड़े जाएंगे अब हैं? ये अल्लाह बेहतर जानता है, या जो नैब और हुकूमत गठजोड़ है वो जानती होगी, मगर ये वक्त गुजर जाता है, वक्त एक जैसा कभी भी नहीं रहता, और इंशाल्लाह ये वक्त भी गुजर जाएगा, और आप लोग देखेंगे उनके मुंह काले होंगे और हमारे सुर्खरू होंगे। ऐसी ऑप्शंस ख़त्म हो जाएं तो आपके सियासी हरीफ का ये आखिरी हथकंडा होता है कि वो आपको इस तरह गिरफ़्तार करवा दे। और ख्वाजा आसिफ साहब की गिरफ़्तारी की ख्वाहिश जो है वो इक्तदार में आते ही, वो उनकी बचपन की ख्वाहिश है, इक्तदार के बचपन के हवाले से इमरान खान साहब की, वो चाहते थे ये बहुत पहले गिरफ़्तारी हो जाए। मीटिंग्स में भी इजहार करते रहे, गुस्से का भी इजहार करते रहे, नाम भी बिगाड़ते रहे, तो केस तो है कोई नहीं। और ख्वाजा आसिफ साहब के जितने एसेट्स हैं, जितने मामलात हैं, सब डिक्लेयर्ड है, सब की मनी ट्रेल दी भी है, और ये बात भी काबिल जिक्र है कि सुप्रीम कोर्ट ने इनको क्लियर किया था जब उस्मान डार इनको डिस्क्वालीफाई करने के लिए कोर्ट में गए थे। तो मैं समझता हूँ जब कुछ ना मिले तो सासों का केस बना दिया जाता है। मुझे नहीं लगता कि इस केस में रेफरेंस भी फाइल होगा, इतना ये क्लियर कट केस है, और इसको पिंडी नैब ने प्रोसिक्यूट करने से रिफ्यूज़ किया था, इसलिए ये लाहौर शिफ्ट किया गया है, क्योंकि लाहौर में इनके पास सर्जन अच्छे हैं, उधर सिर्फ डॉक्टर थे स्टेथोस्कोप वाले, इधर सर्जन है और एक आधा कसाई भी है। बिल्कुल।